विभिन्न संगठनों की ओर से एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर विरोध किया जा रहा है, और इसी कड़ी में आपको आरजेडी के जो लोग हैं वो भी तस्वीरों में दिखाई देंगे कि किस तरह से वो सड़क पे बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, सड़क पर बैठ गए हैं सभी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जितने भी जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो विरोध है वो प्रकट करने की कोशिश है। बात करेंगे और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार जो है इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध आप लोग की ओर से बिहार में भी है, झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो फैसला है वो सही है, एक क्रिमिनल डिसाइड होना चाहिए, आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण होना चाहिए। लोग कह रहे हैं जो हमेशा दलित पिछड़ा आदिवासी का हत्या किए हैं, उनका अधिकारों का हत्या किए हैं, उनके हक छीनने में सहयोग किए हैं, वैसे दलालों को हम कहना चाहते हैं कि 90% जनता सड़क पर उतरी हुई है। आज इनका जन आक्रोश पूरे भारत में है, पूरे देश की जनता रोड पर है। आने वाला समय इससे और खतरनाक होगा अगर अविलंब मोदी सरकार भी देख लगे निरस्त नहीं करती है। माननीय न्यायालय से भी आग्रह करेंगे कि जनता का आवाज सुने और इसको वापस करें, नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है उसके उसके अधिकार पर जो करारा प्रहार है इसके खिलाफ में जनता संपूर्ण लॉकडाउन करेगी, पूरा भारत लॉकडाउन करेगी। क्या कहना चाह रहे, सड़क पे बैठ गए हैं आप लोग, एक तबका है जो कह रही कि फैसला सही है सुप्रीम कोर्ट का, आप लोग विरोध कर रहे हैं। जो कह रही है वो केंद्र सरकार की दलाल है और चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी जो पहले का जो राज था फिर वही राज आए, लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हम लालू प्रसाद यादव के लोग, हम हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से संघर्ष किया है और आरक्षण को लागू किया है, और हम गरीब दलित विरोध के समय साथ में है, ओबीसी के साथ में खड़े हैं, उनके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जब तक ये क्रिमिनल लेयर को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम सड़क पे रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। जिस तरह से आज भारत बंद है, अगर नहीं लिया गया तो फिर आगे इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। प्रवक्ता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कर आम लोग जो है वो कह रहे हैं फैसला सही है, आप लोग विरोध कर रहे हैं? कौन कह रहे हैं सही? आम लोग कह रहे हैं। कौन आम लोग बताइए ना? जनता, आम जनता, आम जनता। आम जनता कोई नहीं कह रहा है, आम जनता चल रहे हैं। जोहार जोहार जोहार। आपको हम बता रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट फैसला हम लोग किस लिए किए मालूम है? 1 तारीख के जो फैसला दिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एसटी और आरक्षण मिला है छुआछूत के आधार पर, आर्टिकल 341 के आप उल्लंघन करते हैं, कानून बनाने का आपका हक नहीं है, पार्लियामेंट का है, आप क्यों कानून बनाए? अगर आप कानून बनाना ही था, सोच ही इतना बड़ा है, तो आप क्यों नहीं पूरे देश की जातीय जनगणना करा लीजिए, जिसकी जितना जातियां हैं उतना आप आरक्षण दे दीजिए, जिसकी जितना संख्या आप धन का संपत्ति का विवरण करा लीजिए, एसी एसटी और पिछड़ा समाज के पास कितना रुपया है, और सामान्य वर्गों में किसेठ मड़वारी पंडा पुजारी के पास कितना रुपया है वो आप पता कर लीजिए। आरक्षण के लिए हमको कोई विरोध नहीं है, आप जातीय गणना करा लीजिए देश में, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतना सबको दीजिए, उसमें हम भी हैं। एक तरफ राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, दूसरे तरफ पार्लियामेंट में उद्घाटन में नहीं बुलाते हैं, आदिवासी पर पेशाब करते हैं, घोड़ी पर चढ़ने पर मूछ काट देते हैं, पानी पीने पर बच्चा का हत्या करते हैं, सरेआम रेप करते हैं, और बोलते हैं कि हम इनके वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं लोकता क्या लोकना चाहिए ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट गरीबों के लिए नहीं अमीरों के लिए है, इस धना सेठों का सुप्रीम कोर्ट हो गया है, ये भारत के पूंजीपतियों की दलाली कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय नहीं दे कर रहा है। न्याय की अगर बात होती तो न्याय की बात करता, हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को रद्द करने की बात करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसका विरोध है साफ तौर पर, और बहुत सारे आधार भी दिए गए हैं, और उस आधार पे कहीं ना कहीं आरक्षण लागू होना चाहिए, वो आधार अगर रहेगा
तो विरोध नहीं किया जाएगा, ऐसा इनका कहना था। तो आपने देखा किस तरह से राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट टक्का चौक के पास जो है वो विरोध प्रदर्शन आरजेडी की ओर से किया गया, और जो यहाँ पे जिला प्रशासन की टीमें हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और लगातार जो है हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट टक्का चौक पे जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और दिन भर इस तरह की तस्वीर जो है लगातार विभिन्न संगठनों की वो आपको देखने को मिलती रहेगी, और हम जो तस्वीरें हैं वो आप तक लगातार लाते रहेंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार रांची।